वाराणसी में सपा बसपा गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वाराणसी से सपा प्रत्याशी तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद फिर शालिनी यादव को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा किया है। तेज बहादुर यादव की उम्मीदवारी रद्द होने की वजह, तेज बहादुर यादव ने दो नामांकन पत्र भरे थे, एक निर्दलीय तौर पर तो दूसरा सपा के प्रत्याशी के तौर पर। दोनों ही नामांकन पत्रों में तेज बहादुर ने नौकरी छूटने की दो अलग अलग वजहें बताई थी, जिसके बाद आपत्ति जाहिर करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। अचानक से सुर्खियों में आए तेज बहादुर यादव का पीएम मोदी को टक्कर देने का सपना टूट गया और साथ ही सपा की उम्मीदें भी। अब फिर से शालिनी यादव को प्रत्याशी बनाकर सपा बसपा गठबंधन पीएम मोदी और भाजपा को पटखनी देने के मूड में है। जो भी हो, फैसला जनता के हाथों में सुरक्षित है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।